डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव, पक्षपात कैसे खत्म करें, कैसे दूर करें। नमस्कारम, मैं हूं सेवन संजय पांडे और आप देख रहे हैं ओमेगा मोटिवेशन सीरीज। प्रिय साथियों, हम सब एक भौतिक जीवन जी रहे हैं और भौतिक जीवन में एक बड़ी सामान्यतः समस्या है, वो ये है कि आप और हम जैसे कुछ अच्छा बन जाने पर, कोई अच्छी पोजिशन मिल जाने पर, किसी अच्छे पद पर पहुँच जाने पर, कोई अच्छा प्राप्त हो जाने पर, हम अपने जो छोटे लोग हैं, जो हमारे लेवल के छोटे लोग होते हैं, उनके साथ क्या होता है, जो उस स्तर पर नहीं होते, जो उस पद पर नहीं होते, उनके बीच अपने बीच क्या है, एक पक्षपात वाली चीज़ आ जाती है, भेदभाव की चीज़ आती है, वो तमाम जगहों पर आती है। कहीं जगहों पर जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, परिवेश के नाम पर, हर जगह आप देखते होंगे कुछ पोजीशन के मिल जाने पे, अब लोवल मतलब ग्रेड के हिसाब से कि जो ए ग्रेड का है, डी ग्रेड का है, तमाम ऐसे जीवों को देख के जितने दुनिया में इस जीव हैं उन्हें लेके आता कि नहीं वो जानवर है, वो ये है, वो है। तो ये सारी जो समस्याएं हैं जी, क्या आपको लगता है कि सही हैं? और अगर सही लगता है तो हमें लगता है कि फिर आपको इस बात की जानकारी नहीं है कि आखिर इसे एक समस्या कहते हैं, एक बहुत बड़ी समस्या है जिसको भेदभाव, पक्षपात या अंग्रेजी में डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। इस समस्या से निजात मिल सकती है क्या, आपने कभी सोचा? हाँ, निजात मिल सकती है और हम आपको आज इस समस्या से निकलने का एक निजात तरीका देंगे। वो जो तरीका हम जिस महान ग्रंथ से आपको देंगे, वो महान ग्रंथ है जिसे पढ़ के पूज्य गांधी के विचारों को प्रखरता मिली, जिसे पढ़ के डॉक्टर कलाम को उनके ख्वाब को हकीकत में बदलने का विश्वास जगा, और जिसे पढ़ के अल्बर्ट आइंस्टीन के भौतिक जीवन में तमाम ऐसे प्रभावी परिवर्तन देखने को मिले जो उनके लिए शायद कभी कल्पनाएं रही होंगी। हम साथियों आपको जो आज जो जानकारी देंगे, यानी कि जो हम आपके सामने डिस्क्रिमिनेशन का एक उपाय बताएंगे, इस पक्षपात और भेदभाव से निकलने का, वो देंगे साथियों श्रीमद् भगवद गीता से। देखिए हमारे पीछे लिखा हुआ है, भगवद गीता का एक श्लोक है, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुभी चपाके च पंडिता समदर्शिन, चैप्टर 5 टेक्स्ट 18 अध्याय 5 श्लोक संख्या 18। यहाँ लिखा गया है, विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विदित ब्राह्मण गाय, हाथी, कुत्ता तथा चांडाल को समान दृष्टि समभाव से देखते हैं। इसका मतलब है साथियों कि इसमें श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि जो ज्ञानी व्यक्ति है वो किसी भी जाति, धर्म, मजहब के किसी भी जीव को देख के, ऊपर नीचे देख के, मतलब कोई जीव छोटा है, बड़ा है, किसी के रहन सहन के को देख के, किसी के बनावट को देख के, वो उसको उस हिसाब से नहीं देखता है, वो सबको समान भाव से देखता है। तो इस श्लोक के माध्यम से श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही समझाया है। तो अगर इसको हम आज के अपने परिवेश से समझने का प्रयास करें तो ऐसा है साथियों, हमें भी अगर हम ज्ञानी व्यक्ति हैं, यानी कि हम पढ़ लिख रहे हैं, हमें शब्दों का ज्ञान है, तो हमें भी इतना ज्ञान होना चाहिए कि हम किसी जानवर को देख के, किसी जीव को देख के, किसी व्यक्ति की बनावट को देख के, किसी के पहनावे को देख के, किसी के रहन सहन को देख के ये डिसाइड ना करें, ये ना सोचें, ये पक्षपात, ये भेदभाव वाली कंडीशन ना लाएं कि अरे वो हमसे छोटा है या बड़ा है, ये है, वो है। अगर हम ज्ञानी हैं, यानी कि हम पढ़े लिखे लोग हैं, अगर पढ़े लिखे वाली श्रेणी में हम आते हैं, तो इसका मतलब है कि हमें सभी को समभाव रखना चाहिए, यानी कि सभी के लिए हमारे अंदर समान भाव होने चाहिए और सभी को लेके हम सेम नज़रिए का प्रयोग करें, एक ही नज़र से सबको देखें, किसी को देखने का हमारा नज़रिया अलग नहीं होना चाहिए। और यही एक ज्ञानी व्यक्ति की पहचान है। अगर आपके अंदर ज्ञान है और आपके अंदर ये चीज़ नहीं है, आप सबको अलग अलग तरीके से देख रहे हैं, जो हिसाब से एक पैसे वाले व्यक्ति को आप उस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, किसी गरीब को अलग ट्रीट कर रहे हैं, तो इसका मतलब आपके अंदर ज्ञान नहीं। अगर ज्ञान है तो ज्ञान का मतलब है समभाव, सेम भावना होनी चाहिए हर व्यक्ति के अंदर, आपको लेके आपके अंदर सेम विचार होने चाहिए, एक ही नज़र होनी चाहिए, उस नज़र से आपको देखें। तो इसलिए जब भी आपको ये लगे कि इस समस्या को के अंदर आप जा रहे हैं और आपके अंदर भी ऐसे अवगुड़ा रहे हैं कि आप दूसरों को क्या है, ऊपर नीचे, छोटा बड़ा, किसी जीव को, चांडाल को, ब्राह्मण को, तमाम ऐसी जाति, जिसमें जैसे देखिए कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि ज्ञानी उस हिसाब से नहीं देखता है कि कौन शमशान घाट में आग देने का काम करता है, कौन आपके घर पुरोहित बन के गाता है, उसके इससे मतलब नहीं है, वो सिर्फ लोगों के कर्म देखता है, उस हिसाब से वो ये मानता है कि सभी लोग एक बराबर है। तो आप अगर ज्ञानी व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति, तो इस बात को समझिए कि सभी लोग सेम भावना के हैं, सभी एक ही बराबर हैं, आपको ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। और अगर ऐसे आपके अंदर अवगुण हैं तो इसका मतलब आप ज्ञानी नहीं हैं, क्योंकि ज्ञानी का मतलब है समभाव, सभी के लिए सेम भाव, एक नज़रिया, तो इस चीज़ को बदलें। दूसरा श्लोक है साथियों, ये है व तरजीत सर्गो येषा शाम्य स्थित मनः निर्दोष ही शम ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थितः, चैप्टर 5 टेक्स्ट 19 अध्याय 5 श्लोक संख्या 19। जिनके मन एकत्व तथा क्षमता में स्थित है, उन्होंने जन्म तथा मृत्यु के बंधनों को पहले ही जीत लिया है,
वे ब्रह्म के समान निर्दोष हैं और सदा ब्रह्म में ही स्थित रहते हैं। कृष्ण अर्जुन को इस श्लोक के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जिन्होंने अपने आप को जीत लिया, जिन्होंने अपने आप को समझ लिया है, उन्हें इस चीज़ से कतई फर्क नहीं पड़ता कौन जी रहा है, कौन मर रहा है, कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। वो सिर्फ अपने आप में लीन है और अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान उनका केंद्रित है, अपने टारगेट की तरफ वो बढ़ रहे हैं लगातार। और इस श्लोक को भी अगर हम अपने आज के माध्यम से समझने का प्रयास करें तो साथियों, हम क्या होता है कि इस चीज़ को नहीं समझ पाते और हम तमाम प्रकार की जो भौतिक समस्या है उसमें हम हर जगह उलझे रहते हैं, छोटा बड़ा इधर उधर करते करते। आपको पता होगा इनर इंजीनियरिंग यानी कि हमारे जो आत्मबोध आत्मशक्ति से जो सब जो चीज़ें हमें प्राप्त होती हैं उससे हम क्या कर सकते हैं, अपनी इनर इंजीनियरिंग के दम पे हम इन सब चीज़ों को जो भौतिक हवामंडल है इस पर ध्यान नहीं देते हैं, हम हमेशा अपने बड़े लक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर नहीं सोचते कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। हमारा जब टारगेट बड़ा होगा, जब हम बड़े लेवल पर काम कर रहे होंगे तो वहाँ ये सब चीज़ें नहीं आएंगी। और ये जो ज्ञान प्राप्त होता है ये हमारी इनर इंजीनियरिंग के लिए होता है। हम क्या करते हैं, अपना जो वक्त है, अपना समय है, जो अपनी चीज़ें ऊर्जा है, इसका प्रयोग दूसरों को सोचने में दूसरों के लिए लगा देते हैं, अपने लिए लगाते ही नहीं। और इसका कारण क्या है कि हमारे अंदर तमाम तरह की बुराई आती है। इसलिए सबसे पहली चीज़, अगर टारगेट बड़ा लक्ष्य बड़ा है तो हमेशा ध्यान रखें कि सबसे ज़्यादा टाइम खुद को दें, आत्ममंथन करें, इनर इंजीनियरिंग को बढ़ाएं। इनर इंजीनियरिंग जितना बढ़ाएंगे उतने आपकी ज़्यादा जो आपका टारगेट है आपका लक्ष्य उसको प्रखरता मिलेगी, उतना ज़्यादा वो ट्रांसपेरेंट आपको दिखाई देगा। इसलिए जब भी ये लगे कि आप छोटी मोटी चीज़ों में फंस रहे हो, इसका मतलब ये समझ लीजिएगा कि आप टारगेट पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप जब हर चीज़ में कंपेरिजन कर रहे हैं, ये बड़े ये छोटे ये इस लायक नहीं हमारे बगल बैठने लगे, बिल्कुल गलत बात है। आपका अगर टारगेट बड़ा है तो आपको ये सब चीज़ें ध्यान ही नहीं, आपको हमेशा फोकस टारगेट पे करना चाहिए। और टारगेट पे आप फोकस तब करेंगे जब आप, ये सारा ज्ञान आपको आपकी इनर इंजीनियरिंग से प्राप्त होगा, आपके अंदर जो आत्मशक्ति आत्मबोध से प्राप्त होगा। तो इस चीज़ को समझें, ये भी आपको समझने के लिए बहुत अच्छा श्लोक था। अब अगला श्लोक है साथियों, आत्मोपमेन सर्वत्र शम पश्यति अर्जुन सुखम व यदि वा दुख सहयोगी परमोमत। चैप्टर 6 टेक्स्ट 32 अध्याय 6 श्लोक संख्या 32। हे अर्जुन, वह पूर्ण योगी है जो अपनी तुलना से समस्त प्राणियों की उनके सुख तथा दुखों में वास्तविक समानता का दर्शन करता है। इस श्लोक के माध्यम से श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, वो व्यक्ति जो अपने अंदर मतलब जो ये चीज़ मान के चलता है कि सारी चीज़ें एक सुप्रीम पावर है जो डायरेक्ट कर रही है, मतलब मैं नहीं कुछ कर रहा हूँ, मैं नहीं चला रहा हूँ, वो व्यक्ति क्या करता है साथियों, वो ये नहीं सोचता है कि उतार चढ़ाव सुख दुख क्या है या किसको क्या मिला है, क्या प्राप्त हो गया, किससे क्या खर्च छीन लिया गया। वो सिर्फ इस चीज़ को मानता है कि जो चीज़ें हो रही हैं वो सब परमात्मा करता है और सब सिर्फ वही कर रहा है। इसलिए हम और आप किसी को इस चीज़ के लिए ना आकें कि आखिर कौन बड़ा है कौन छोटा है, किसे क्या मिल गया किसे क्या नहीं मिला है। तो आज के परिवेश के हिसाब से अगर हम इस श्लोक का मतलब समझे तो साथियों यही है कि श्री कृष्ण जी ने जिस तरह अर्जुन को समझाया उस तरह हम समझ सकते हैं इस चीज़ को कि अगर हम या आप जो भी लोग हैं, हम पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, जिस भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखें कि जो भी चीज़ें एक्टिविटीज़ हो रही हैं हमारे बीच, वो ठीक है हमारे कर्मों की वजह से हो रही है, बट इस चीज़ को समझें, जैसे हम कर्म कर रहे हैं तो हम खाना खा रहे हैं वो बन रहे, ठीक अच्छी बात है, बट जो हमारा शरीर है जो इतना बड़ा ये पूरा नर कंकाल आपके सामने खड़ा हुआ है, ये आपको लगता है कि हमने बनाया, इसमें कोई टूट जाता है तो हम खुद थोड़ी जोड़ते हैं साथियों, ये क्या है, ये हमने हमारे घर में थोड़ी बना था, ये हमारी जो शरीर है हमने थोड़ी बनाया, ये क्या है कि इनर इंजीनियरिंग का कमाल भी नहीं, ये क्या है, ये किसी कोई व्यक्ति है जो सुप्रीम पर्सनैलिटी सबको डायरेक्ट कर रही है उसका दिया हुआ है। तो ये मान के चले कि अगर किसी व्यक्ति की शक्ल में थोड़ी समस्या है, कोई थोड़ा शक्ल से आपसे कम सुंदर है या कुछ भी तमाम प्रकार की जो बुराइयाँ, किसी आपको बहुत अच्छा प्राप्त है, आप बहुत बड़े ऐश आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं, बहुत बड़े सुखी व्यक्ति हैं, कोई निर्धन है, कोई मतलब असहाय व्यक्ति है, तो उसको कमज़ोर ना समझे, उसे ये ना समझे कि वो आपको तुच्छ व्यक्ति है। ये मान के चलें कि वो क्या है कि सब एक सुप्रीम पावर डायरेक्ट कर रही है और वही सब कुछ कर रही है, सब उसी का क्रियाधारा है, उसमें ऐसा कुछ नहीं कि उसके अंदर कुछ अवगुण है या कुछ है। हाँ, एक वक्त के बाद उसके संघर्षों से उसे भी उसको सफलताएं मिलेगी, वो जो चाहता है उसे भी मिलेगी, उसका भी वक्त बदलेगा। इसलिए हमेशा ये ना समझें कि किसी का कुछ जो वक्त है वही रहेगा, हर जगह परिवर्तन आता है, यहाँ भी आएगा। इसलिए किसी के आज को देख के किसी के भविष्य का की कल्पना ना करें कि ये होगा वो होगा ऐसा होगा वैसा होगा, हमेशा अपने अंदर इस व्यक्ति इस चीज़ को समझें कि जो एक व्यक्ति है, एक सुप्रीम पावर पर्सनैलिटी, सारी जो सुप्रीम पावर सबको डायरेक्ट कर रही है और हर चीज़ उसी के इशारे पर हो रहा है, जो भी चीज़ें हो रही सब उसके इशारे पर हो रही हैं। इसलिए समझें, अपने अंदर इस चीज़ को ना लाएं कि नहीं कोई हमसे छोटा है, हम उससे बड़े हैं, बहुत बड़े हैं, महान हैं, आप महान वान नहीं हैं, ठीक है, कोई आपसे भी महान है। तो अगर ऐसे लोग सोचते रहेंगे तो फिर चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। इसलिए हमेशा
जो भी व्यक्ति आपके यहाँ आए उसे उसका सम्मान दें, जो भी उस लायक लगता है आप उसको भोजन दें, जो भी समझ में आए आप उसके साथ अच्छा व्यवहार करें, किसी से अप डाउन वाली स्थिति में ना मिले कि आप उसके साथ भेदभाव करें, पक्षपात करें। कोई बहुत पैसे वाला तो उसको 1,00,000 रुपए दे दिया, जिसको गरीब है जिसको आवश्यकता उसके लिए आप 1,000 रुपए नहीं खर्च करें, तो ऐसे फिर आप फिर गुणी व्यक्ति नहीं, ज्ञानी व्यक्ति आप नहीं है। ठीक, तो इस श्लोक से को भी समझ के शायद आपको इस चीज़ को समस्या से निदान मिलेगा। तो हम अगले श्लोक की बात करेंगे। समोता सर्वभूतेश नमी देश्योदस्ति न प्रिय ये भजंती तो माँ भक्त्या मैते तेषु चाप्यहम। चैप्टर 9 टेक्स्ट 29 अध्याय 9 श्लोक संख्या 29। मैं न तो किसी से द्वेष करता हूँ, न ही किसी के साथ पक्षपात करता हूँ। मैं सभी के लिए संभव हूँ, किंतु जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है और मैं भी उसका मित्र हूँ। इस श्लोक के माध्यम से श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जो व्यक्ति मुझे मानता है, जो व्यक्ति मेरे मुझे ये मान के चलता है कि नहीं कोई है, मैं जो भगवान या जो भी जिस धर्म जात से, मतलब श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, जो व्यक्ति मुझे मानता है, जिसे लगता है कि नहीं कोई है जो सब कुछ चला रहा है, उस व्यक्ति के अंदर मैं हूँ और वो भी मेरे अंदर हमेशा है और मैं उसके लिए हमेशा मित्र की तरह हूँ। इसलिए जब आपको लगे कि नहीं आपके अंदर ऐसी बुराइयाँ आ रही, आप दूसरों को हर जगह ऊपर नीचे देख रहे हो, ऊपर नीचे करके देख रहे हैं, तो इस बात को समझें कि इस चीज़ से निकलने का एक बड़ा ये भी है कि हमेशा ध्यान रखें कि हर व्यक्ति का, जो आप जिसे आप ये समझ रहे हैं कि वो आपके लायक नहीं है, शायद उसका जुड़ाव परमात्मा से, और परमात्मा इस बात को कहते हैं कि वो सबके अंदर हैं, सबके अंदर हैं, और वो अगर उसके कर्म अच्छे हैं तो वो उसके मित्र भी हैं, सखा भी, उसे स्थितियों से निपटने में मदद करेंगे। इसलिए ये ना सोचे कि आप जो है किसी को कुछ के बोल देंगे या किसी का बुरा कर देंगे तो हो जाएगा। जो व्यक्ति परमात्मा में पूर्ण श्रद्धा रखता है, परमपिता पे श्रद्धा रखता है, निस्संदेह उसके साथ वो खड़े होते हैं, और इस चीज़ को आप कई उदाहरण आप देख सकते हैं कि हर जगह आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट मोड पे ऐसा सपोर्ट मिलता है कि आप अचानक आपको लगता है कि ये तो अचानक चमत्कार हो गया। चमत्कार क्या होता है कि 80% आपके कर्म होते हैं, बट 20% क्या होता है, कोई ऐसे व्यक्ति होते हैं आपके साथ जो आपके साथ इनडायरेक्ट मोड पे काम कर रहे होते हैं, वो कोई भी हो सकते हैं। भगवान कहते हैं वो जो लोग हैं वही मैं हूँ, मतलब जो लोग आपको सपोर्ट करें, जो अचानक आपको मिल जाते हैं वही मैं हूँ। तो इसलिए श्री कृष्ण भी अर्जुन से कहते हैं, ध्यान से मैं इसको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैं न तो किसी से द्वेष करता हूँ, मैं ही किसी के साथ पक्षपात करता हूँ। मैं किसी से द्वेष नहीं करता, मैं किसी से कोई पक्षपात नहीं करता, कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं। मैं सभी के लिए संभाव हूँ, वो कह रहे हैं इस पूरी धरती पर जितने लोग हैं मैं सभी के लिए संभाव रखता हूँ, एक ही भावना रखता हूँ, मैं किसी से द्वेष पक्षपात नहीं रखता, किंतु जो भी भक्तिपूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, और जो भी भक्तिपूर्वक मेरी सेवा करता है, मुझे मानता है, वो मेरा मित्र है और उसके अंदर मैं हूँ, वो मेरा मित्र है, मित्र है, मुझ में स्थित रहता है और मैं भी उसका मित्र हूँ, वो मुझ में स्थित रहता है और मैं उसका मित्र हूँ। कितनी अच्छी बात बोली कि जो मुझे मानता है, जो मेरे लिए मुझे मानता है कि हाँ मैं कुछ हूँ, या जिसे लगता है कि कोई व्यक्ति है जो सब डायरेक्ट कर रहा है, उसके अंदर मैं हूँ और वो मेरा मित्र है, मैं उसे कभी हार नहीं दूंगा, मैं उसके हर जगह उसके साथ खड़ा हुआ हूँ। इसलिए आप हमें समझे कि आप किसी को छोटा या बड़ा कह देंगे, हर व्यक्ति के अंदर सर्वशक्तिमान है, बस वो सर्वशक्तिमान उस व्यक्ति को जिस दिन समझ में आ गया कि नहीं गंगाधरी शक्तिमान है, उस दिन वो व्यक्ति क्रांति कर देगा और परिवर्तन ला देगा। इसलिए हमेशा जब भी ऐसी स्थितियाँ बने, इस बात को ध्यान रखें कि ज्ञानी पुरुष जो होते हैं, जो ज्ञानवान व्यक्ति होते हैं, वो कभी भी किसी को ऊंचा या नीचा नहीं दिखाते, वो ये सब भक्ति नहीं करते पक्षपात, जाति, धर्म, मजहब के नाम पे। अगर आपके अंदर आ रहे तो इसका मतलब आपके ज्ञानी व्यक्ति हैं, आपके अंदर ज्ञान नहीं है, और अगर ज्ञानी व्यक्ति है तो इस बात को समझे कि जो भी स्थितियाँ किसी की अच्छी या बुरी, उतार चढ़ाव सबके जीवन में है, वो आपके या उसके कर्मों से नहीं है, वो सारी चीज़ें एक सुप्रीम पर्सनैलिटी है, सुप्रीम पावर जो डायरेक्ट कर रही है, सब वहाँ से हो रहा है। ठीक, तो इस समस्या का हमें लग रहा है कि आपको मिल गया होगा संपूर्ण समाधान। अब देखिए अगली बात, इस देश के युवाओं को हम तभी सक्षम बना सकते हैं जबकि ये डिग्रियों का व्यापार हम बंद कर दें। इस देश के, भारत के युवाओं को आप तभी सक्षम बना पाएंगे जबकि ये डिग्रियों का व्यापार आप बंद कर देंगे, क्योंकि डिग्रियों का व्यापार बंद होना बेहद आवश्यक है, क्योंकि डिग्रियों के बिना व्यापार के बंद हुए हम ये नहीं समझ सकते हैं कि ज्ञानी, गुणवान और प्रतिभाशाली युवाओं को हम समझ पाएंगे। बिना व्यापार बंद हुए हम ये नहीं समझ सकते कि कौन ज्ञानी है, कौन गुणवान है, कौन प्रतिभाशाली है। ठीक ठीक वैसे ही जैसे आपके गांव से कोई व्यक्ति है जो मुंबई में जॉब कर रहा है और अभी वो MSc भी कर लिया होगा, और आप अभी पहले भी तैयारी किया करते थे UPSC की, आज भी तैयारी कर रहे हैं UPSC की। ठीक है, तो इसलिए डिग्री के मामले में जब कभी ऐसा कोई सर्वे होगा तो उस व्यक्ति को उठाया जाएगा, आपके अंदर कितना भी ज्ञान है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो डिग्रियों का व्यापार बंद होना बेहद आवश्यक है। इस देश के युवाओं को हम तभी सक्षम बना सकते हैं जबकि ये डिग्रियों का व्यापार हम बंद कर दें, तभी ज्ञानी, गुणवान और प्रतिभाशाली युवाओं को हम समझ पाएंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले अंक में, इस अंक का करेंगे समापन। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।